अब मुख्यमंत्री जी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हिसाब दे दें और 2023 तक अपने 5 साल का, फिर 2030 की बात करें। एक काल्पनिक बातों को खड़ा करके वो सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं, मेरा एक बड़ा विजन है। विजनरी होते तो आखिरी वर्षों के अंदर महंगाई राहत याद नहीं आती। विजनरी होते तो इस प्रकार के अधिकारी आज फील्ड में नहीं होते, जिनके कारण दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है। इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। कोई नाराजगी नहीं, मैं सब अलग अलग अलग, मैं अब पोजीशन पे आ रहा हूँ, मैं बैठक में नहीं पहुंचा, ऐसी नाराजगी थोड़ी है। हम अलग अलग इतने कामों में लगे हैं। धन्यवाद सर। ईडी ने कल से प्रॉपर्टी आपको अटैच कर ली है, किस तरह से? अब ईडी आएगी जब इस प्रकार के काम होंगे, जब वजह के अंदर नोट और सोना मिलेगा तो ईडी निश्चित तौर पर काम करेगी। जब पेपर लीक के घरों पर 18-18, 20-20 लाख रुपए नकदी मिलेंगे तो ईडी आएगी। जब पेपर लीक करने वाले सरगनाओं की अकूत संपत्ति होगी तो ईडी आएगी। इसमें क्या भेजा बांध? यात्राएं हमारी सतत है, हम अब जनता के संपर्क करने के लिए निकलेंगे। आपने कहा कि नाराजगी कोई नहीं है, कहीं में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के कारण से व्यस्त है, पुत्र बुध की तबियत खराब है, इसलिए उसको उस तरह नहीं जोड़ना चाहिए। राठौड़ साहब, एक सवाल। राठौड़ साहब, एक सवाल। मुख्यमंत्री निरंतर देखा जा रहा है आपके साथ में, एक मीठी नोक जोक करने करके एक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी बड़े पुराने परंपरागत रूप से मंझे हुए नेता है, और एक रिश्ता राजनेता का पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी होता है। इसलिए उनकी ये नोक जोक, मीठी नोक जोक, उसमें मुझे कुछ नहीं कह रहा।